अगर आप जियोमेट्री डैश लाइव लाइट का गेम प्ले करते हैं और ये गेम प्ले नहीं हो रहा, नॉट वर्किंग और ओपनिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, गेम सही से काम नहीं कर रहा, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करोगे? तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो काफ़ी सारे लोगों का ये गेम जो है कभी कभी चल नहीं जाता, जियोमेट्री डैश लाइट नाम से गेम है बेसिकली। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग खोलेंगे और यहाँ पे ऐप्स एंड नोटिफिकेशन या फिर ऐप मैनेजर भी हो सकता है आपके फ़ोन में जो ऑप्शन है, ऐप से रिलेटेड एप्लीकेशन होगा तो उसके अंदर आपको जाना है। देन आपको यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन जियोमेट्री डैश लाइट एप्लीकेशन के ऊपर टैप करना है, क्लिक करना है और इसका डाटा और कैचे या फिर स्टोरेज और कैचे क्लियर करना है। अगर आपके फ़ोन में क्लियर स्टोरेज है तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लियर डाटा है तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रोसेस के बाद जो है आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। दूसरा काम आपको करना है, प्ले स्टोर आप ओपन कीजिए, यहाँ से आपको जियोमेट्री डैश लाइट को एक बार अपडेट करने की ज़रूरत है। तो आप एक दफ़ा इस गेम को ज़रूर अपडेट करवा लीजिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपडेट नहीं करवाते हैं, तो आप एक बार इसे अपडेट भी ज़रूर करवा लीजिए। अपडेट करने से भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। और साथ ही आप जो है जब भी इस गेम को प्ले करेंगे तो आपका जो दूसरा एप्लीकेशन है उसको आपको यूज़ नहीं करना, एक टाइम एक ही एप्लीकेशन यूज़ कीजिए। एक साथ दो तीन एप्लीकेशन अगर आपने खोल रखे हैं और उसके बाद आपका ये गेम सही से नहीं चलेगा। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।